नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और इस समय हम आपको बताएंगे कि बिहार में कब सरकार बदलती है, कब बनती है, कब गिरेगा, कब टूटेगा, कब बनेगा, ये नेताओं लोगों को भी जो है मालूम नहीं होता है। समय की ऐसी धारा बदलती है जहां पर अचानक जो है सरकार जो है बन जाती है, सरकार जो है गिर जाती है। लेकिन तमाम सेक्टरों में, तमाम विभागों में और आम जनता को क्या असर पड़ता है, इसके लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ दो पत्रकार जो है मौजूद है, संजय जी है और दिगंबर सर। सबसे पहले आपको स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजय जी, आपने जो है आज हमें और हमारे बड़े भाई दिगंबर भैया को आज जो जोड़े हैं इस है डिबेट में। देखिए, बिहार की सही बात है, बिहार जो है ना भारत में राजनीति तय करता है कि दिल्ली में किसका शासन होना है और दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन जो शासक है उस शासक भी घबराया रहता है कि बिहारी क्या करे। लेकिन यहाँ पर एगो बिहार में सबसे बड़का एगो है पलटू राम, उसका फिक्से नहीं है कि कहाँ जाएगा, लेकिन एगो टैग चला हुआ है कि जय हो पलटू राम, अब की बार नीतीश कुमार। मेरा बात यही है समझना कि आप जो बखूबी से ये सरकार चला रहे थे, आरजेडी और आपका जदयू महागठबंधन का जो चल रहा था सरकार, उस बखूबी से आप तमाम युवाओं में जोश भर दिया था कि रोजगार ही रोजगार, रोजगार ही रोजगार। आपकी सरकार तुरंत बदलने से कई युवाओं में संशय हो गया, क्या मुझे अब नौकरी मिलेगा। तुरंत हमारे कई सारे महिलाएं का फोन आया जिन्होंने एनएम का पेपर दिया था, वो सोच रही कि जिस अभी मैंने पेपर दिया जो लगभग 10,000 वैकेंसी निकली थी एनएम का, अब मुझे वो जॉब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये तेजस्वी ने जो बयान दिया था कि हम 10,00,000 लोग नौकरी देंगे, तो बीजेपी चाहे वो एनडीए सरकार की बात हो या बीजेपी सरकार की बात हो, वो लगातार वादे तो करते हैं लेकिन ये वादे से मुकर जाते हैं। लेकिन तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखा रहा था, तो यहाँ तो ये देखना होगा कि अब ये संशय का विषय रह दिया है कि अपना सत्ता के लिए, अपने पद के लिए आप जो है समाज को, इस बिहार को कहाँ धकेल दिए ना जाने। क्या लगता है कि जब आप सरकार में थे हत्याएं नहीं होती थी, मर्डर नहीं होता था, एक भी दिन ऐसा देख लीजिए जिस दिन मर्डर ना हो। अब क्या आप स्वर्ग का राज बनाएंगे क्या? आप जहाँ मोदी सरकार कहते हैं कि यह देश में राम राज आ रहा है, जहाँ आप एक तरफ राम राज की बात करते हैं, एक दूसरी तरफ आप पलटी राम की बात कर रहे हैं, तो जो पलटी राम के साथ में आ जाएगा वो सरकार कैसी रहेगी जी। इसलिए यह बिहार का जनता आप सभी को नकारते हुए देख रहा है, बिहार की जनता खुद ही ना असमंजस में कि हम अब किसके साथ हैं, जिसको चुने वही बेदगा हो गया, अब सनम हम किसके हो गए। तो यही बात है, लेकिन देखना है कि अब होगा क्या। सर, इसे हर विभागों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आप खुद ही पत्रकार हैं, आपने देखा कि जब एनडीए की सरकार थी और जब महागठबंधन की सरकार थी, जब एनडीए की सरकार थी उस समय भ्रष्टाचार का चरम सीमा हो गया, किसी का कोई सुनने वाला नहीं था, इतना अफसरशाही हो गया था कि अफसर ही लगता था हम बॉस हैं, काम करें या ना करें हमें तो तनख्वाह आना है। लेकिन जही महागठबंधन की सरकार आई थी, तमाम विभाग में आप काम देख लीजिए, आप गली नाली देख लीजिए, शिक्षा का व्यवस्था आप देख लें, जिस बिहार में लोग घर बैठे ड्यूटी करते थे, विदेश में रहकर ड्यूटी करते थे, वहीं के जनता, वहीं के कर्मचारी मजबूरन घर में आना पड़ा और घर से अब स्कूल में जाना पड़ा, और वह काम पे काम लगातार कर रहे हैं और तब उनको तनख्वाह मिलती है। तो महागठबंधन की सरकार अच्छी थी कि एनडीए की सरकार अच्छी थी? इसीलिए साथी, तय तो आपको करना है, जहां सदियों से राम आया है, अब दोबारा ये सरकार राम को बुला रहा है, पता नहीं कौन राम को बुला रहा है, तो आप उस अंधविश्वास में जी रहे हैं, तो आपका क्या हो सकता है? इस बिहारी का कुछ नहीं हो सकता भाई, हर जगह वो मार खा रहा है और बिहार में भी खुद मार खाएगा। इसीलिए अभी भी बारी है भाई, तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, फिर विदेश जाओगे, फिर बाहर जाओगे। आपको नहीं पता कि रिपोर्ट अभी बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है कई जो है मजदूरों को विदेश में रोजगार के लिए भेज रही है। क्यों भाई,
हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, आप अवसर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? तो आपको अवसर पैदा करवाएंगे तभी तो हमारा होगा, तो अवसर नहीं पैदा करवा रहे। ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि नीतीश सरकार जो है बीजेपी के साथ मिल करके बिहार में रोजगार लाना चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कैसे ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, इसका कारण मैं बता देता हूँ। वही मोदी सरकार एनडीए की सरकार कह रही थी कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितने लोगों को आपने नौकरी दी बता दीजिए आप खुद बताओ। पकौड़ा तलना अगर रोजगार है तो आप समझ रहे हम चाय बेच के हम प्रधानमंत्री बन गए, वो वाला सिस्टम है क्या? नहीं, पत्र पकौड़ा बन के MBA पास लड़का, BA पास लड़का पकौड़ा तलेगा? जब तक इस देश के युवाओं को सही दिशा में जो क्वालिफिकेशन से जिस योग्यता से उसने पढ़ाई की है उस अनुकूल उसको काम नहीं मिलेगा तो रोजगार किस बात का, काम किस बात की? आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक जगह बता दीजिए जहाँ डिजिटल हो। आज जाइए बिना पेपर का कोई काम नहीं हो रहा, हर ऑफिस में जाइए चिट्ठी पर चिट्ठी लेके जाइए। अरे जब डिजिटल हो गया तो आवेदन भी डिजिटल होना चाहिए, जब काम हो गया तो तमाम विभाग में डिजिटल काम होना चाहिए। और डिजिटल की बात करें तो कितने गाँव हैं जहाँ पर डिजिटल लाइव सर्विस हो रहा है, आज भी पीड़ित है, आज भी बहुत माँ बहन बेटी हर दिन रोती है। इसीलिए सोचना पड़ेगा कि किसी सर सुविधा तो सब चीज़ जो है सरकार दे रही है, राशन दे रही है, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर फ्री में है, राम मंदिर को जो है यानी लोगों को घुमाया है, तो इन सारे चीज़ जब दे रहा है तो आम जनता को और क्या चीज़ है? शिक्षा व्यवस्था में भी जो है बच्चे को जो खाना मिड डे मील मिलता ही है, तो अब क्या चीज़? हाँ तो मिड डे मील तो मिल रहा है ना, मिड डे मील में वही जो क्या बोलते हैं छिपकली वाला भात मिल ही रहा है। और राम मंदिर से अगर विकास हो जाए, राम मंदिर ही अगर सबसे बड़ी व्यवस्था बदल दे तो आप कहाँ बैठे हुए हैं, शासन की बात क्यों कर रहे हैं? आप भी वहाँ जाके पुजारी बनी, लोगों की आस्था है सब। अरे मैं तो रास्ता की बात करता हूँ ना, जिसकी जहाँ आस्था हो, मुझे तो बाबा साहब में आस्था है, और बाबा साहब में आस्था नहीं, मैंने बाबा साहब को पढ़ा है इसलिए बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को संविधान को बाबा साहब को मानते हैं जिसने संविधान हमको अधिकार जीने के लिए दिया। अब मंदिर की बात करते मेरे लिए मंदिर नहीं, राम राज्य में तो सबको सामान्य दर्जा मिलेगा सर। राम राज्य में संविधान भैया हम तो भैया दलित है, महिलाओं को भी काफ़ी इज्जत होगी। वही राम राज्य था जब गौतम ऋषि की पत्नी का जो है रेप कर दिया था वही इंद्र जी, तो वो राम राज चाहते हैं। तो आपको मुबारक हो, मुझे तो राम राज नहीं हूँ तो भीम राज से हूँ। भीम राज में ऐसा क्या है जो आपको? भीम राज, अरे भीम राज ऐसा तो कोई राज नहीं है जहाँ पर सभी को समानता, सभी को मौलिक अधिकार, सभी को भाईचारा, ना कोई जात